दिनों बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में अपने धन्यवादी दौरे करेंगे और उसमें भी नरेश हसनपुर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नरेश जी, सबसे पहले तो बताइए, इस 84 गांव के महाकुंभ में आए हैं, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक समाज में एक संदेश दिया जाता है, आपसी भाईचारे मिलने का। यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा चल रही है, ये जो 84 का आज काज है, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ जो अपने पंडित जी थे उनकी सत्री में ये प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा प्रदेश में अब घूमने वाले हैं, तो क्या उम्मीद दिखाई देती है? कांग्रेस आज के दिन मजबूत है, तो क्या आपको लगता है कि पूरा हरियाणा प्रदेश स्वीकार कर पाएगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उसी तरीके से पूरे प्रदेश के नेता के तौर पर? देखिए प्रवीण भाई, ये पूरा प्रदेश जानता है, आज पूरा प्रदेश श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर अपना भविष्य देख रहा है। सब लोगों को पता है कि अगर प्रदेश का भला कर सकते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वह माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करके दिखाया है 10 साल में, उन्होंने जो राज में किया है। आज लोगों ने फिर इस चुनाव में 2019 के जो चुनाव में है, लोगों ने परिणाम भी दिया है। इस सरकार से कितने दुखी होकर के, जैसे ही नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला, मिलते के साथ इतना बड़ा जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था सरकार के खिलाफ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्रेम था, वो उजागर हुआ। 31 सीटें तो कम से कम 40 थी, लेकिन कुछ सीटें इसने बीजेपी ने धोखा करके हराया है, लोगों कुछ कैंडिडेटों को हराया गया है जबरदस्ती यहाँ से। तो आने वाला भविष्य जो है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश की आस है और यहाँ पूरे प्रदेश का विश्वास है इनके ऊपर। आप जानते होंगे नरेश जी, 5100 रुपये पेंशन, किसान कर्ज माफी, जेजेपी की बड़ी बड़ी घोषणाएं थी जो अभी तक लागू नहीं हो पा रही। आप क्या मानते हैं कि लोगों को बहज ठगा गया था या करना नहीं चाहते, क्या क्या मानते हैं इन घोषणाओं पर? ये एक इनका ढकोसला रहा है। यहाँ जितनी भी सारी झूठ जो बीजेपी सरकार ने बोला और उनके साथ जेजेपी ने वोट कहीं से और सपोर्ट कहीं दिया है, ये सब हरियाणा के लोग देख रहे हैं। यहाँ लोगों ने विश्वास के ऊपर इनको वोट दिया था कि 5100 रुपये पेंशन होगी, वो एकमात्र झूठा है इनका, लोगों को बहकावा है। ये भी काम अगर कर सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं प्रदेश के अंदर। कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करेगी हरियाणा में, हल्के वाइज जिले वाइज पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और ऐसा हमें पता चल रहा है कि बादली हलके से एक अहम पद की जिम्मेदारी नरेश हसनपुर को दी जा सकती है, क्या आप तैयार हैं, खुश होंगे जिम्मेदारी उठाकर? देखिए ऐसा है प्रवीण भाई, मुझे जब पहले भी कोई जिम्मेदारी मिली है मैंने बड़ी ईमानदारी से निभाई है और आगे भी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा या पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसे बड़े ईमानदारी से और बेखूबी से निभाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप खुद की व्यक्तिगत राजनीति को आप भविष्य में किस तौर पर देखते हैं, क्योंकि जीत तो आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी की है, ओम प्रकाश धनखड़ को आपने मिलकर हराया, व्यक्तिगत राजनीति की आपकी बात की जाए तो आप भविष्य किस तरफ आप देखते हैं? आप देखिए, व्यक्तिगत राजनीति की बात हो चाहे हमारे इलाके की बात हो, सारा सब कुछ आज के दिन पूरा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आस लगाए बैठा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही हमारी राजनीतिक विरासत जुड़ी है, उनके साथ ही हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का विकास उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो हमारे हर क्षेत्र का, हर लोग का, हर आदमी का विकास होगा, उसमें हमारा भी, हम भी साथ, हमारा भविष्य माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि CAA को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राजघाट में अनशन पर बैठने वाले हैं, कांग्रेस लगातार इसके विरोध में है, नरेश हसनपुर क्या मानते हैं जो बीजेपी ने ये एक्ट बनाया है इसको लेकर? देखिए मैं तो प्रवीण भाई इसमें एक ही बात कहूँगा आपको, ये बीजेपी सरकार जो है ना, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करती है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करती, जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करती, ये आप पिछले 6 साल में आप देख चुके हैं और आगे भी देख सकते हैं। इन्होंने सिर्फ बांटने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं करते। राजनीति का काम जोड़ना होता है लेकिन इनका उल्टा है, ये बांटने का काम करते, तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम किया इस बीजेपी सरकार ने, आपने भी कर रही है ये काम। आपने कहा आने वाला टाइम कांग्रेस का है, आप पार्टी से जुड़े हुए इसलिए कह रहे हैं या ऐसी संभावनाएं हैं वो दिख रही है कि आने वाला समय आपकी पार्टी का ही है? आप देखिए प्रवीण भाई, आने वाला समय हमारी पार्टी का है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी कह रहा है, हरियाणा प्रदेश का एक बच्चा बुजुर्ग नौजवान हर आदमी कह रहा है। यहाँ तक कि
आप किसी लेडीज से बात करें वो भी पूरा हरियाणा कांग्रेस की तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है। सबको पता है कि आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद प्रवीण भाई। ये थे कांग्रेस के बादली विधानसभा क्षेत्र से नरेश हसनपुर और तमाम इस महाकुंभ में आकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और खास तौर से 5100 पेंशन और जो किसान कर्ज माफी थी उसको कहा कि सिर्फ बरगलाने का एक माध्यम था, ढकोसला था जेजेपी पार्टी का और इनका दावा है कि आने वाला समय वो कांग्रेस पार्टी का है। ऐसा वो कांग्रेस ही होने के नाते नहीं कह रहे बल्कि पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में तमाम जो समस्याएं हैं, जो जिस तरह के प्रदेश में राजनीतिक हालात हैं उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस समस्या के हल के तौर पर बतौर हरियाणा प्रदेश की जनता है वो देख रही है। शुक्रिया।